welcome to our channel. Today we will discuss relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. तो यहाँ से एक formula हम derive करेंगे, उस formula का हम use करेंगे exercise 2.2 में. तो student आप इसलिए video के अंत तक बने रहें. तो हमारे पास quadratic formula है क्या है? तो quadratic polynomial हम discuss करते हैं, तो हमारे पास आएगा quadratic polynomial ax square plus bx plus c. इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की सपोज करो पहली जीरो, फर्स्ट जीरो क्या है, मान लो अल्फा है, सेकंड जीरो हमने इसकी सपोज की बीटा. तो पहली जीरो इसकी क्या है, अल्फा, दूसरी जीरो क्या है, बीटा. हमने नाइन्थ क्लास में एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, अगर अल्फा इसकी पहली जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, तो इसका पहला फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर होगा इसका एक्स माइनस अल्फा. सेकेंड फैक्टर क्या होगा इसका, एक्स माइनस बीटा. तो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो फैक्टर होंगे. तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. यहाँ पे के एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी, ठीक है, के कोई रियल नंबर है. तो यहाँ से हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस बीटा से करेंगे क्या आएगा, माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा. फिर से लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, इन दोनों पेयर में से हम क्या कॉमन ले लेंगे एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. फिर से सोल्व करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, और के को अल्फा बीटा से करेंगे तो क्या आएगा, के अल्फा बीटा. अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास यहां से के की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स, फिर हम एक्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो यहाँ से एक्स लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा. हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, के अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या है, सी, तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा, के अल्फा बीटा. यहाँ से हम के की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हम ए, तो k की वैल्यू अगर हम a पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा. सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन a, जो a है इसको डिवाइड कर देगा b को, तो b अपॉन a, और यहां से हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c अपॉन k, k की वैल्यू क्या है, c अपॉन k, k की वैल्यू क्या है हमारे पास, a, तो यहाँ पे k की वैल्यू हम पुट कर देंगे a. तो इस तरह से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई सी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी, बी किसका कोफिशियंट है, x का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ ए, किसका कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का, सो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ गया जिसका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में. दूसरा हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या हमारे पास, कॉन्स्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारे पास, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट हम इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करने में. तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहें. 2.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की हमने पहले तो इसकी जीरोस पता करनी है, तो इसका पहला पार्ट क्या हो गया, जीरोस पता करनी है हमें, ये पता लगा. दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशियंट के बीच में रिलेशनशिप पता करना. तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे. पहले हम इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से.
कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, वन, बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू, सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी, माइनस एट। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। हमने इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए माइनस एट एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए माइनस एट एक्स स्क्वायर, और प्लस करके या माइनस करके माइनस टू एक्स। तो हम इसको दो ऐसे भागों में डिवाइड करेंगे कि इस तरह से कि मल्टीप्लाई करके माइनस एट आए और प्लस करके माइनस टू आए। तो अगर हम इस तरह से सपोज करें माइनस फोर प्लस टू, तो कितना आ रहा है माइनस टू, माइनस फोर प्लस टू कितना आ रहा है माइनस टू, और माइनस फोर को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है माइनस एट। इट मीन्स हमारे ये फैक्टर बिल्कुल सही है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, और एट को कैसे लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई फोर। तो फर्स्ट पेयर में से हम कॉमन ले लेंगे एक्स, तो हमारे पास अंदर क्या आएगा एक्स माइनस फोर। सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन आएगा टू, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस फोर। ये टू कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा एक्स माइनस फोर। तो स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे एक्स माइनस फोर सेम है तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमने एक्स माइनस फोर कॉमन ले लिया, तो अगर हम x माइनस फोर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा x प्लस टू, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरो से निकालनी है। तो इसमें इट मीन्स हम इसको किसके इक्वल टू रखेंगे, जीरो को, सेपरेटली दोनों को इक्वल टू जीरो रख लेंगे। पहले x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, फिर x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब x फोर को उधर सेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस फोर, फोर को उधर भेज दिया हमने। उसके बाद दो को उधर सेंड कर दिया तो कितना आ गया माइनस टू, प्लस उधर जाके माइनस टू आ गया। इस तरह से हमारे पास दो जीरो सोल्व हो चुकी हैं। पहली जीरो को हम मान लेंगे हम अल्फा, दूसरी जीरो को हम मान लेंगे बीटा। तो इस तरह से इसकी दो जीरोस आ गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, वो क्या था हमारे पास, हमने रिलेशनशिप पता करना था जीरो और कोफिशियंट के बीच में। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, पहले सम ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे हम, पहली जीरो हमारे पास क्या है फोर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर, यानी कि सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। पहली जीरो फोर है, सेकेंड जीरो क्या है हमारे पास माइनस टू, फोर प्लस माइनस माइनस, तो फोर माइनस टू कितना आ जाएगा टू। इधर से भी हम सोल्व करेंगे माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस टू, माइनस टू अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वन। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो टू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू। तो ये हमारा रिलेशनशिप बन गया सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बीच में। आगे है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो पहली जीरो हमारे पास क्या है अल्फा, और दूसरी जीरो क्या है स्टूडेंट हमारे पास बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो पहली जीरो क्या है फोर, फोर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस टू से, तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास माइनस एट, यहाँ पे आएगा माइनस एट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वन। तो हम इधर 4 को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास माइनस एट, यहाँ पे भी माइनस एट, यानी माइनस एट इक्वल टू माइनस एट एंड टू इज इक्वल टू टू। सम ऑफ जीरोस में क्या आ रहा है टू इज इक्वल टू टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या आ रहा है माइनस टू पॉइंट माइनस एट इक्वल टू एट। तो इस तरह से हमने पहले पार्ट में हमने जीरोस पता की, और सेकेंड पार्ट में इनके बीच में हमने रिलेशनशिप का पता किया कोफिशेंट के बीच में। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस माई लेटेस्ट अपडेट। Thank you very much.